तो देट इज़ वन मेजर कस्टमर और एक्सपोर्ट्स भी हैं तो इसका मतलब है कि इनको जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन भी देनी होगी आर एल हैज वेरियस ऑपरेटिंग सेगमेंट्स अपार्ट फ्राम एक्सटर्नल सेल्स सम ऑफ दीज सेगमेंट्स मेक इंटरनल सेल्स एज वेल तो कुछ इंटरनल सेल्स भी होती है फॉलिंग अमाउंट्स हैव बिन एक्सटेक्टेड फ्राम आर एल्स आर एल्स ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर देंडेडी जून ट्वेंटी ट्वेंटी जिसमें हमें रेवन्यू ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्रोफिट बिफोर टैक्स टोटल टोटल लाइबिलिटीज गिवन

जो है टाइटल दिया हुआ है इसमें एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑपरेटिंग एक्सपेंस नेट इंटरेस्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एसेट्स की फिगर गिवन है और उसके बाद उनका टोटल भी गिवन है प्रिपेयर लिस्ट ऑफ एरर्स एंड ओमिशन इन द अब डिस्कलोजर रीड्राफ्टिंग ऑफ डिस्कलोजर इज नॉट रिक्वायर्ड तो हमने लिस्ट ऑफ एरर एंड ओमिशन बतानी है इनफैक्ट आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या इसके अंदर एरर्स और ओमिशन हैं रीड्राफ्टिंग ऑफ डिस्क्लोजर यानी नया डिस्क्लोजर नए सिरे से बनाने की जरूरत नहीं है और वो हम बना भी नहीं सकते इतना कंप्लीट डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है जो हमें चाहिए जिससे हम प्रॉपर डिस्क्लोजर डेवलप कर सकें सो so, हम इसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस डिस्क्लोजर के अंदर क्या क्या इश्यूज हैं सबसे पहले अगर हम बात देखते हैं तो लिस्ट ऑफ एरर्स और ओमिशन में इंटरनल सेल्स हो रही है लेकिन डिस्क्लोजर में सिर्फ एक्सटर्नल रेवेन्यू रिफ्लेक्ट किया जा रहा है तो इट शोज़ के इंटरनल जो इंटर सेगमेंट सेल्स थी उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया गया तो ये पहला इशू है हमारे पास उसके बाद जो है कि रिपोर्टेबल सेगमेंट को अगर हम देखते हैं तो एक्सटर्नल रेवेन्यू जो है वन ज़ीरो वन ज़ीरो और फाइव सिक्सटी ये हमारा जो टोटल बन जाता है दैट इज़ फिफ्टीन सेवेंटी और जो यहाँ टोटल है टू फाइव थ्री ज़ीरो इसका अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज परसेंट तो क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा कम ऑफ़ एक्सटर्नल रेवेन्यू रिपोर्टेबल सेगमेंट्स में होना चाहिए अगर ना बनाते हैं तो हमारा सेकेंड पॉइंट रिपोर्टेबल सेगमेंट इज कम्प्राइज ऑफ सिक्सेंट ऑफ टोटल रेवेन्यू अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ सेवेंटी तो एन अदर सेगमेंट नीड्स टू बी डिस्क्लोज़ सेपरेटली तो अदर में ना डालें और कुछ और सेगमेंट्स को भी रिपोर्टेबल बनाएं जब तक कि 75 परसेंट ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू कंप्लीट नहीं हो जाता एज अ मिनिमम इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इंटरेस्ट uh, इनकम जो है वो नेट बेसिस पर डिस्क्लोज़ की गई है तो रिक्वायरमेंट ये है कि आपने जो इंटरेस्ट इनकम होती है और एक्सपेंस होता है उनको सेपरेट डिस्कलोज करना होता है तो इंटरेस्ट इनकम ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग सेगमेंट्स आर रिपोर्टेड ऑन नेट बेसिस अदर इंटरेस्ट इनकम एंड एक्सपेंसिस नीड टू बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली इसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो टोटल एसेट्स हमें यहाँ डिस्कलोजर में नज़र आ रहे हैं ये फिफ्टीन फोर्टी के हैं और ये टोटल एसेट्स जो एंटिटी के फिगर्स हैं उनके साथ मैच नहीं कर रहे इसके इक्वल नहीं हैं तो रिकन्सिलेशन इसका मतलब है कि प्रॉपर नहीं बने हुई तो टोटल एसेट इन डिस्क्लोजर डज नॉट मैच विथ टोटल एसेट्स रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब इसमें से किसी एक में एरर हो सकता है या हो सकता है रिकनसिलेशन में कोई पॉइंट ओमिटेड हो उसके बाद अगर हम देखते हैं तो सेगमेंट वाइज लाइबिलिटीज जो हैं उनको नहीं बताया गया जबकि ये बताया जा रहा है कि डिटेल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इंटरनली रिपोर्ट किया जाता है तो लाइबिलिटीज़ के ऊपर क्राइटेरिया तो अप्लाई नहीं होता टेन परसेंट का लेकिन लाइबिलिटीज़ जहां पे चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर को डिस्क्लोज की जाती हैं तो वहां पर वो डिस्क्लोज होनी चाहिए इन डिस्कलोजर नोट एज वेल सो लाइब्रिटीज़ जो हैं वो डिस्क्लोज नहीं हुई उसके बाद हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट का जिक्र था कि एक्सपोर्ट से थर्टी परसेंट रेवन्यू आता है लेकिन यहाँ पर जो हम डिस्क्लोजर देख रहे हैं इसमें कोई जोग्राफिकल सेगमेंट वाइज डिस्क्लोजर नहीं है थर्टी परसेंट ऑफ सेल्स जो है वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है तो ज्योग्राफिकल सेगमेंट को भी डिस्क्लोज करना चाहिए था उसके बाद हम देखते हैं कि एक कस्टमर को जो इस थर्टी परसेंट का सिक्सटी परसेंट अब ये बेसिकली अगर हम देखते हैं तो थर्टी परसेंट का सिक्सटी परसेंट यह बन जाएगा एटीन परसेंट तो टेन परसेंट से ऊपर अगर किसी को सेल हो रही हो तो दैट इज कॉल्ड मेजर कस्टमर और उस मेजर कस्टमर का डिस्क्लोजर देना होता है सो so, ये सेपरेट डिस्क्लोजर नहीं दिया हुआ इस डिस्क्लोजर नोट के अंदर इसका कोई जो है इंडिकेशन नहीं है तो एच जो है हकीम लिमिटेड ये नाम लिखा हुआ है तो इसको सेपरेट डिस्क्लोज करना चाहिए था इसके बाद हम इस डिस्क्लोजर नोट में नोटिस करें तो डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को डिस्क्लोज नहीं किया गया तो रिक्वायरमेंट है कि डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एंड अदर नॉन कैश मटेरियल आइटम जो हैं वो डिस्क्लोज होने चाहिए तो so, वो डिस्क्लोज नहीं हुए वो भी होने चाहिए उसके बाद इनकम टैक्स एक्सपेंस भी डिस्क्लोज नहीं किया गया यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो रिफ्लेक्ट किया जा रहा है लेकिन इनकम टैक्स एक्सपेंस को भी डिस्क्लोज करना चाहिए एंड देन मटेरियल आइटम ऑफ इनकम एक्सपेंसेस अदर देन द अबव वो भी फर्दर डिस्क्लोज होने चाहिए तो वो यहाँ पर एस एच नहीं आ रहे लेट से कि शायद वो ऐसा कोई मटेरियल इनकम और एक्सपेंस इसके अलावा ना हो लेकिन लेट से कि जी वो क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे डाटा में कि ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन थी या नहीं थी सो so वो भी अगर हैं तो डिस्क्लोज होने चाहिए सो so ये हमने एट uh, मार्क्स के क्वेश्चन के लिए uh, जो है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन आइटम्स जो हैं आइडेंटिफाई किए हैं एज एर ओमिशन इन दिस डिस्कलोजर नोट एंड ये अगर आप इनमें से आई बिलीव के कोई से आठ भी प्रॉपरली अगर आप मैंशन कर देते हैं तो आपको एग्ज़ाम में फुल एट मार्क्स मिल जाएंगे एंड दैट्स ऑल फॉर टूडे हैव अ गुड डे